Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं फिल्म अमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहदिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? ढक्की चिक्की ठां. अरे भैया ये क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? But friends, your guess is as good as mine. हम बात करने वाले हैं आज के एपिसोड में क्राइम मास्टर गोगो. आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा. अमर प्रेम यानी के अंदाज अपना अपना के बारे में. सभी लोगों को पता है आमिर खान लाइव आए थे एंड वहां पर उन्होंने अंदाज अपना अपना 2 के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि राजकुमार संतोषी जी जो है, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर थे, आमिर मामू ने कहा कि वो अंदाज अपना अपना 2 की जो है वापस से स्क्रिप्टिंग जो है उन्होंने पूरी कर दी है एंड अब देखने लायक रहेगा कि आगे क्या होता है. जिनको नहीं पता उनको बता दूं, आमिर खान प्रोडक्शंस के अंदर राजकुमार संतोषी जो है वो लाहौर 1947, जिसमें सनी, करण डियोल, प्रीति जिंता एंड आमिर खान है ना कैमियो अपीयरेंस करने वाले हैं, वो फिल्म वो डायरेक्ट कर रहे हैं. इसीलिए आमिर खान और राजकुमार संतोषी का इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है. लेकिन अब ये न्यूज तो बहुत दिन पहले की है, तो इसमें नया ट्विस्ट क्या आया है, यही इसीलिए आज मैं एपिसोड बनाया हूँ कि क्या ये फिल्म कभी बनेगी या नहीं बनेगी. पर फिर अंदाज अपना अपना 2 पे मैंने ऑलमोस्ट कम से कम 6-7 एपिसोड बना दिया हूँ. राजकुमार संतोषी को जब जब पूछो अंदाज अपना अपना 2 के बारे में तो उनके पास एक नई चटपटी दिलचस्प कहानी है. हाँ, बहुत सारे लोग बेचारे यही करते हैं, उनकी जो पुरानी फिल्में रहती है जो बहुत बड़ी हिट होती है उनके पार्ट 2 को लेकर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको पूछा जाता है कि भाई इसका क्या हो रहा है, तो ना तो नहीं बोल सकते हैं, यू हैव टू बी रेलेवेंट इन द इंडस्ट्री. इसी का कारण है वो कुछ ना कुछ नई कहानी बताते हैं. तो ये अमर प्रेम की जो कहानी है ये हमेशा एक नया मोड़ लेती है. लेकिन क्या ये फिल्म यहाँ पर राजकुमार संतोषी खुद अकेले बना सकता है या नहीं बना सकता, आज की खबर इसी के बारे में है. अब गाइस, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ये डायरेक्टर थे अंदाज अपना अपना के. इसके जो प्रोड्यूसर है वो है विनय सिन्हा. ध्यान से सुनो पूरी स्टोरी क्या है, समझ में आ रहा है? दोनों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि अंदाज अपना अपना 2 जो है हमको बनानी है. अब गाइस, राजकुमार संतोषी सीक्वल लिखना शुरू कर दिए है विद आमिर मामू एंड सलमान खान इन द माइंड. राजकुमार संतोषी चाहता है कि मैं अंदाज अपना अपना 2 बनाऊं आमिर खान एंड सलमान खान के साथ, बट देयर इज अ कैच. जो ओरिजिनल राइट्स है फिल्म के वो विनय सिन्हा के जो बच्चे हैं नम्रदा, अमोद एंड प्रीति सिन्हा, उनके पास है. 2022 में भी यहाँ पर राजकुमार संतोषी ने बड़े बड़े अखबारों को कहा था कि कॉन्सेप्ट जो है सीक्वल का अंदाज अपना 2 का उन्होंने क्रैक कर दिया है. हाँ, अब वो आमिर खान के 1947 डायरेक्ट कर रहे हैं एंड साथ ही में वो अंदर अपना अपना 2 की राइटिंग जो है वो कर रहे गाइस यहाँ पर. अब गाइस यहाँ पर 2019 में जो सिन्हा परिवार है जिसमें अब नम्रता सिन्हा है, अमोद सिन्हा है, प्रीति सिन्हा है, उन्होंने 2019 में अंदाज अपना अपना 2 जो है बनाने की कोशिश की थी यहाँ पर, लेकिन आमिर मामू एंड सलमान खान के साथ नहीं. समझ में आ रहा है गाइस यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर 2019 में अंदाज अपना अपना 2 रीलोडेड नाम करके एक फिल्म आने वाली थी जिसमें रणवीर सिंह और वरुण धवन होने वाले थे. कैरेक्टर्स का नाम अमर प्रेम होता लेकिन वो कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड होती एंड 1994 की जो ओरिजिनल फिल्म है उससे इनका कोई लेना देना नहीं था. रणवीर सिंह एंड वरुण धवन के साथ अंदाज अपना 2 बनने वाली थी. 2019 में खबर आई थी जो कि विनय सिन्हा के जो बेटे हैं यहाँ पर वो अमोद, नम्रता एंड प्रीति सिन्हा वो ये फिल्म बनाना चाहते थे. तो 2 कहानियां हैं साइमल्टेनियसली चल रही है, एक तो राजकुमार संतोषी की एंड एक तो प्रोड्यूसर्स की. अब आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी बनाओ बनाओ तो सही. अमर प्रेम, सलमान खान एंड आमिर खान की जो उम्र थी उस टाइम पर उस तरह की मस्ती करने के लिए वो अलग अलग ही किस्म की थी. पुराना, खुराना, डॉक्टर खुराना और ये रात और ये दूरी, ये सब जो आमिर खान सलमान खान थे बहुत यंग थे उस टाइम पर, तो उस तरह का मस्ती माहौल हो सकता था. आज भी वो कर सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ. देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशन व्हेन इट कम्स टू एज एंड अगर वापस अमर प्रेम आ रहे हैं तो अमर प्रेम ही आने चाहिए. इन क्लासिक कैरेक्टर्स को एंड इन लेजेंड्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन गाइस अब यहाँ पर क्या होता है, मेकर्स जो है वो कॉशियसली डिसाइड कर रहे हैं कि आगे अंदर अपना अपना 2 में क्या होने वाला है एंड अनडिसाइडेड है कि आमिर खान एंड सलमान खान के साथ वो कौन से डायरेक्टर को लेने वाले हैं
या फिर क्या वो आमिर खान सलमान खान इस फिल्म को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर 100 बात की 1 बात एपिसोड इसलिए बनाया हूँ कि राजकुमार संतोषी अंदर अपना अपना टू जो है नहीं बना सकता, समझ में आया। उसके हाथ में पावर नहीं है कि वो बना सके जब तक सिन्हा जो है नम्रता अमोद एंड प्रीति सिन्हा हाँ नहीं कहते, राजकुमार संतोषी अंदर अपना अपना टू नहीं बना सकता। ये सब पावर विनय सिन्हा के जो बेटे है बेटी है उनके हाथ में है। एंड गाइस प्रीति सिन्हा ने बात ऑन रिकॉर्ड आकर कही है यहाँ पर कि द ओनली फैमिली दैट कैन टेक फॉरवर्ड विद द डायरेक्टर ऑफ देयर चॉइस इज अस, हमारे हाथ में सब पावर है, अंदर अपना अपना एक लेगेसी है, हम उसके मालिक है, हमको बहुत ध्यान से उनको आगे ले जाना है। एंड हमारी बात जो है हमारे टीम के साथ चल रही है सीक्वल के लिए बहुत वक्त से, जब होगा हम प्राउडली अनाउंस करेंगे। अब राजकुमार संतोषी कुछ अनाउंस नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है। एंड फैमिली जो है इस पिक्चर की 30th एनिवर्सरी जो है यहाँ पर अंदाज अपना अपना मेमोरेबलिया वेबसाइट जो है वो लॉन्च की थी। एंड ये साल 30 साल जो हो जाएंगे इस फिल्म को नवंबर में वापस से वो कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे। तो 100 बात की 1 बात राजकुमार संतोषी अगर स्क्रिप्ट लिख भी दिया एंड स्क्रिप्ट बन भी गई तो बिगे सिन्हाज के परमिशन के वो फिल्म नहीं बना सकता। यस अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई, सिन्हाज ने भी हाँ बोल दिया, आमिर खान सलमान खान दोनों ने हाँ बोल दिया, तो डेफिनेटली अंदर अपना अपना टू जो है वो फ्लोर्स पर जाएगी विद आमिर खान एंड सलमान खान एज अमर प्रेम। वरना सिन्हाज ने अगर डिसाइड किया कि कल जाकर रणवीर एंड वरुण को लेकर अमर प्रेम बनाकर अंदर अपना अपना टू बनानी है तो वो जाके अपनी फिल्म बना सकते हैं, उसमें उनको राजकुमार संतोषी आमिर खान सलमान खान को पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये है यहाँ पर कैच, यहाँ पर बहुत बड़ा लफड़ा होता है जब आप कोई फिल्म का सीक्वल बहुत साल बाद बनाते हो, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। हेरा फेरी 3 का भी ऐसे कुछ हाल चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आने वाले समय में एक दिन वक्त मिला तो बताऊंगा। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को समझ में आया होगा, एपिसोड समझ आए तो जितना हो सके एपिसोड को लाइक कीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि आमिर मामून सलमान खान आए यहाँ पर एंड वहाँ पर टण टण जो उनकी जो फाइट रहती है वो वाली करे गाइस यहाँ पर। ये जैकेट कहाँ से खरीदा आपने? हमारे संजय तो नहीं लिया। वो वाले सीन एक अलग ही मजा देते हैं। दो दोस्त एक प्याली में चाय पीएंगे, एक प्याली वापस ले जाओ वापस ले जाओ। अलग ही मजा था यहाँ पर। एज ऑलवेज से स्टे कूल मान।